और राम जी को हम ग्वालियर वासी भी प्रणाम कर सके। इस नाते से कार्यक्रम भगवान राम का सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी के साथ होगी। वे अपने संगीत विश्वविद्यालय की अध्यक्षता है, उनकी प्रस्तुति है। और उसके बाद देखो, राम जी तो 22 तारीख को अपने धाम में एक युगांतकारी घटना के तहत विराजमान होने वाले हैं, लेकिन भाव रूप में वे ग्वालियर भी आए, ग्वालियर वासी भी महसूस करें कि हम भी उस उत्सव में, इस महोत्सव के साक्षी हैं, उसके भागीदार हैं। इसलिए 13 तारीख को एक रचना की है कार्यक्रम की कि ग्वालियर आ रहे हैं राम, और उसके पीछे सोच ये था कि रामस राष्ट्र, राम का राष्ट्र है, इसलिए सब जगह ऐसे कार्यक्रम होना चाहिए। तो यहाँ भगवान जो है वेंकट हॉल है, यहाँ रेशम तारा सिटी सेंटर में ग्वालियर में, उसमें प्रवेश करेंगे ठीक 6:10 पे शाम को 13 तारीख को। और जब वो आएंगे तो बड़ी आतिशबाजी, मंत्रोच्चार, ढोल नगाड़े के साथ उनका स्वागत होगा और वे विराजमान होंगे सिंहासन पर। सिंहासन पर विराजमान होंगे तो श्री रामचंद्र कृपाल भजमन, उनकी स्तुति होगी और सैकड़ों हजारों लोग दीपक थाली में रख के उनकी आरती करेंगे, सामूहिक आरती होगी, उसका भजन होंगे, भजन के बाद कवि सम्मेलन होगा। इस प्रकार की एक रचना की है और मुझे लगता है बहुत अद्भुत और भावुक आयोजन। पूरा ग्वालियर इसमें साक्षी बनेगा, और खासतौर पर उन लोगों को भी आपने बुलाया होगा जो कि अयोध्या में इन्होंने खास निश्चित तौर पर, निश्चित तौर पर जिन जो लोग कार सेवा में गए उनको विशेष रूप से याद किया गया इस अवसर पर, और जो भी लोग समाज में ओपिनियन मेकर हैं, समाज में राम के चरित्र को ले जाना चाहते हैं, उनको भी विशेष रूप से आमंत्रित किया है। ओपन फॉर ऑल है कार्यक्रम तो, लेकिन कुछ लोगों को विशेष रूप से बुलाया।